उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैश्व मोटन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुधीर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैश्व मोटन। खबर रुद्रप्रयाग से। काफी लंबे समय से बहुप्रतीक्षित राजस्व ग्राम धूलसारी के ग्रामीण सड़क सुविधा से आज भी वंचित है। पिछले कई सालों से ग्रामीणों की मांग पूरी न होने पर वह लोग हताश हैं। कई बार शासन प्रशासन के समक्ष इस विषय को उठाने के बाद भी सड़क निर्माण पर कोई कार्रवाई न होने के कारण ग्रामीणों की अब उम्मीद खत्म हो चुकी है। 2019 में भी लोकसभा चुनावों का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया था। तब प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता इंद्रजीत बोस ने भरोसा दिलाया था कि जल्द ही सड़क का निर्माण कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी संदर्भ में आज धूलसारी के ग्रामीणों के शिष्टमंडल ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता इंद्रजीत बोस से वार्ता कर सड़क निर्माण न होने का रोष प्रकट किया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र लाल, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री गंभीर सिंह बिष्ट, जगदीश कटैल, सुरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री विक्रम पैल्डा, अनूप सिंह रावत, दर्शन सिंह बुटोला, आनंद बुटोला, चंडी प्रसाद, सूरज रावत, उषा रावत, संगीता रावत, ममता देवी, विजयश्री देवी, पुष्पा देवी, ललिता देवी, हिमदेव देवी आदि मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। हम समस्त ग्राम सभा धूलसारी से इतनी लड़ाई यहाँ आ रही है और हमें रोड की बहुत परेशानी है, जो कि हम 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, चाहे हमारे कोई बीमार है, कोई प्रसव अवस्था में है। हमें रोड 2010 से हमारी रोड लटकी हुई है और हमें बहुत परेशानी है। दुख, बीमारी कुछ भी है, हम रोड से बहुत परेशान हैं। हम अपने दुख दर्द में जो भी है, हम रोड के लिए सभी औरतें यहाँ अपने काम धंधा छोड़ के आ रखे हैं और कई बार हम आ गए हैं, पर विभाग हमारी बात को ध्यान में नहीं रख रहा है। समस्त धूलसारी की जनता जो यहाँ पे आज खड़ी इसलिए हो रखी है कि हम रोड से बहुत परेशान हैं। 3 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता है, अपनी साग सब्जी रुद्रप्रयाग से ले जाते हैं, लेकिन वहाँ से कंधे में बोझ ले जाते हैं। और किसी की अगर अचानक तबीयत खराब हो गई, कोई गर्भवती अवस्था में है, प्रसव पीड़ा में है, तो बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है हमें रात बिरात में 3 किलोमीटर चलते चलते। आज हमारी माँ बहनों ने ये संकल्प लिया कि गाड़ी का तो आज विलम्ब था, लेकिन पैदल पैदल चल के इतनी सारी माँ बहनें आ चुकी हैं। और इसमें भी अगर विभाग संज्ञान में नहीं लेता तो आगे के लिए हम कदम उठाएंगे। शून धूलसारी मोटर मार्ग जो कि काफ़ी वर्ष पहले स्वीकृत हुआ था, लेकिन इतने समय बीत जाने के बाद भी रोड ग्रामीणों गांव में नहीं पहुंची है, जिस कारण ग्रामीणों में रोष है। पिछली बार भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, ग्रामीणों लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात की, लेकिन उसके बाद विभाग वहाँ पर आया और विभाग ने कहा कि 6 महीने के अंदर रोड को काट दिया जाएगा। लेकिन अभी तक 5 वर्ष और गुजर गए हैं, लेकिन ये रोड अभी तक नहीं हो पाई है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने भी मुख्यमंत्री घोषणा में इस रोड को रखा था, लेकिन अभी तक कोई काम इस पर नहीं हुआ है। आज जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर जो अधिशासी अभियंता हैं इंद्रजीत बोस जी, उनसे मिले और बोस जी ने आश्वासन दिलाया कि 1 महीने के अंदर जो फॉरेस्ट का है मामला, तो यहाँ से जो फाइल है वो आगे बढ़ा दी जाएगी और जल्द ही रोड के निर्माण की बात उन्होंने कही। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। आने वाला दिन पे सीखी समालिया, ए जावा, ए जावा।